राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रखी। कंबोज जी, जनप्रतिनिधिगण, मंचासीन अन्य पदाधिकारीगण, सभी अध्यापकगण, अभिभावकगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों और प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज इस विश्वविद्यालय के 25वीं दीक्षांत समारोह के अवसर पर आपको संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। दीक्षांत समारोह केवल डिग्री, पुरस्कार और पदक प्रदान करने का एक अवसर ही नहीं है, बल्कि अर्जित क्षमताओं के माध्यम से नई चुनौतियों को स्वीकार करना और अपने सपनों को साकार करने के लिए संकल्प लेने का अवसर भी है। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूं और आपके सुखद भविष्य की कामना करती हूं। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज जिन विद्यार्थियों ने डिग्री और मेडल प्राप्त किए हैं उनमें से आधे से अधिक बेटियां हैं, और ये नहीं, गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी 70% से अधिक छात्राएं हैं। ये बहुत ही संतोष का विषय है कि हमारी बेटियां कृषि और संबंध विज्ञान सहित अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन आपके शैक्षिक जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण है, लेकिन आज आपकी शिक्षा संपूर्ण नहीं हुई है, केवल इसका एक हिस्सा पूर्ण हुआ है। कृषि विज्ञान के एक विद्यार्थी के रूप में आपने जो भी सीखा है उसका व्यवहारिक उपयोग करने का अवसर अब अपने सामने आएगा। अब आप अन्नदाता किसान भाई बहनों के साथ मिलकर कृषि के विकास में अपना योगदान देंगे। मेरी आपसे अपेक्षा होगी कि आप जीवन पर्यंत जिज्ञासु बने रहे, सीखते रहें और विनम्रता के साथ कृषि जगत की सेवा करते रहें। कृषि के क्षेत्र में करियर बनाने का आपका निर्णय आपके लिए दूसरों के मदद करने की अपार संभावनाएं के द्वारा ये द्वार खोल देता है। ये आप पर निर्भर है कि आप इन अवसरों को अधिकतम लाभ कैसे उठाएंगे। आपको अपने ज्ञान और क्षमताओं के विस्तार के लिए दुनिया भर के नवीनतम नवाचारों से अवगत रहना होगा। आपका ये प्रयास देश को वैभवशाली राष्ट्र बनाने में सार्थक होगा। प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी जनसंख्या के बावजूद आज भारत खाद्यान्न संकटग्रस्त देश से खाद्यान्न निर्यात देश बन गया है। इसमें हमारे नीति निर्माताओं, कृषि वैज्ञानिकों और किसान भाइयों बहनों को उनका महत्वपूर्ण योगदान है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन आज कृषि के समक्ष बढ़ती जनसंख्या, संकुचित कृषि भूमि, गिरते भूजल स्तर, मिट्टी की घटती उर्वरता, जलवायु परिवर्तन जैसी अनेक चिंता उपस्थित है, जिनका समाधान खोजना आप जैसे कृषि पेशेवरों का दायित्व है। आपको ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे हमारी विशाल जनसंख्या को पर्यावरण और जैव विविधता को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जा सके।